शिवराज सिंह चौहान की सरकार हो, ये पीले गमछे के सहारे सत्ता हासिल करना चाहते हैं। एक कांग्रेस पार्टी का चोर कमलनाथ आपको देखा होगा आप लोगों ने, एक दिग्विजय सिंह चोर को आपने देखा होगा। ये चोर लोग जो है पीले गमछे के सहारे आदिवासियों को उल्लू बनाने का काम करते हैं। मैं बोलना चाहता हूँ दिग्विजय सिंह को, ये गमछा पहन के तू आदिवासियों को उल्लू नहीं बना सकता। मैं बोलना चाहता हूँ कमलनाथ को, कांग्रेस का जो प्रदेश अध्यक्ष है, ये गमछा पीला गले में डाल के आदिवासियों को चूतिया नहीं बना सकते हो। मैं बोलना चाहता हूँ मध्य प्रदेश के पंचमामा शिवराज सिंह चौहान को, ये पीला गमछा डाल के आदिवासियों को चूतिया नहीं बना सकते। 10 साल पहले आप लोगों ने कभी नहीं देखा होगा कि भाजपा और कांग्रेस के चोर नेता हमारे किसी महापुरुष के बलिदान दिवस में, जन्म दिवस में उनके चरणों में पुष्प अर्पित करने गए हो। लेकिन जब देखो भारत देश के कोने कोने में पीली क्रांति आग लगाती चली जा रही है और भारत सरकार को लगा के भैया ये भारत देश का जो मूल निवासी है, ये SC ST OBC, ये पूरी ताकत के साथ जाग रहा है। ये जो ढलिया भर लोग हैं, ये चुटकी भर लोगों को मसल के फेंकने वाले हैं। तो साथियों, भारत देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी मंडला की पावन धरती में पहुंचे और वहां राजा हमारी दुर्गावती मरावी के चरणों में पुष्प अर्पित करके बोलते हैं जय सेवा, जय बड़ा देव, जय गोरवाना। ये दादा मरकाम की ताकत थी। यही नहीं रुके, इसके बाद राजा रघुनाथ साहब शंकर साहब बलिदान दिवस पर भारत देश के गृह मंत्री अमित भाई जबलपुर पहुंचे और राजा रघुनाथ साहब शंकर साहब के चरणों में माल पुष्प अर्पित करके उन्होंने बोला जय सेवा, जय बड़ा देव। ये दादा मरकाम की ताकत। ज्यादा कुछ ना बोलते हुए जो इतना बोलना चाहूंगा साथियों, जिधर देखो उधर हवस के शैतान बैठे हैं, जिधर देखो उधर हवस के शैतान बैठे हैं। संभाल कर रखना अपनी फूल सी बेटियों को, क्योंकि देश चलाने वाले नरेंद्र भाई मोदी बे औलाद बैठे हैं, बे औलाद बैठे। जय सेवा दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को इतुर आदिवासी सगा समाज को बताना चाहूंगा कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कुंवर बलबीर सिंह तोमर जी ने नर्मदापुरम की पावन धरती पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर सामान्य जनता जनार्दन के बीच में सभी को एकजुट होने की जन संबोधन किए और 2023 की विधानसभा चुनाव में उनका कहना है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार होगी। और उन्होंने जन संबोधन के दौरान ये भी कहा कि आए दिन हमारे समाज के लोगों के ऊपर तरह तरह की अन्याय, अत्याचार, शोषण होता चला आ रहा है, लेकिन अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री होना चाहिए ताकि ऐसे रवैया करने वाले लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करें। दोस्तों, अभी तक अपने YouTube चैनल गोंडवाना की बात को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल प्रेस कर दीजिएगा, इससे नए वीडियो की अपडेट मिलता रहेगा। तो आइए देखते हैं लाइव वीडियो। नर्मदापुरम में विराजमान समस्त देवी देवताओं को नमन करते हुए मंच पर उपस्थित हमारे पवित्र गोंडवाना आंदोलन के बहन शांति राज जी, उमेश सिंह जाट जी और बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष जी और बहुजन समाज पार्टी के हमारे बकोरिया जी, मधु जी, सभी को मैं तहे दिल से सेवा जोहार करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। गोंडवाना के महामानव गोल्ड मेडलिस्ट, पूर्व विधायक, हम सब के प्रेरणा स्रोत पेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम के चरणों में नमन करते हुए मंच के समस्त उपस्थित समस्त मातृशक्ति, पितृशक्ति, युवा शक्ति, नन्हे मुन्ने बच्चों को मैं अपने पवित्र गोंडवाना आंदोलन की ओर से तहे दिल से सेवा जोहार करता हूं, वंदन करता हूं। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक सम्माननीय स्वर्गीय श्री कांशी राम जी के चरणों में तहे दिल से मैं नमन करता हूं। और आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अभी कुछ दिन पहले इस मध्य प्रदेश के रण में
गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पूरी ताकत के साथ जो चुनावी दंगल होने वाला है उसमें ताल ठोकने के लिए खड़ी हो चुकी है। और हम भाजपा और कांग्रेस को उखाड़ के फेंकने के लिए आज मध्य प्रदेश में SC ST OBC माइनॉरिटी पूरी ताकत के साथ एक बंद मुट्ठी के तरीके खड़ा हो रहा है। निरंतर मेरे सभाएं कल आमला में थी, बड़ी संख्या में लोग वहां सुदूर जंगलों से निकल के और सभा स्थल में पहुंचे, बहुजन समाज पार्टी के लोग भी वहां पर पहुंचे और सबने एक ही दिशा में बात की कि आने वाला समय मध्य प्रदेश की सत्ता से 20 सालों से बैठा कंसुमामा शिवराज सिंह चौहान उसको इस दंगल में कैसे पटकना है, इसके लिए हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व हम लोग दिल्ली में बैठ के बहुत बड़ा चिंतन करने वाले हैं कि मध्य प्रदेश से कंसुमामा शिवराज सिंह चौहान इस चोर की सरकार को कैसे उखाड़ के फेंकना है। हमको ये दंगल में ताल ठोकने के लिए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री सुश्री मायावती जी ने अपने भतीजे आकाश को ताल ठोकने के लिए भेज दिया मध्य प्रदेश में कि ताल ठोक के आप लोग जाओ और मध्य प्रदेश की सत्ता को कैसे हासिल करना है। SC ST OBC माइनॉरिटी के साथ बड़े पैमाने पर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है उसे कैसे रोकना है। और यहाँ मध्य प्रदेश में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय श्री सुलेश्वर मरकाम जी ने निर्देशित किया मुझे कि बलवीर सिंह तोमर मध्य प्रदेश में जाके आप ताल ठोक दो और मैं ताल ठोकता हूँ शिवराज सिंह चौहान कि तुमको हम मध्य प्रदेश की सत्ता से इस बार हटा के रहेंगे। ये बलवीर सिंह तोमर ताल ठोक के बोलता है। साथियों निरंतर हमारे गरीबों के ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचार को लेकर के मध्य प्रदेश संपूर्ण मध्य प्रदेश में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मुखर होकर SC ST OBC सभी की आवाज उठाती है। बड़े पैमाने पर ये कंसुमामा शिवराज सिंह चौहान के इशारे पर मध्य प्रदेश में गरीबों के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है उसको लेकर के गोंडवाना गणतंत्र पार्टी पूरी ताकत के साथ साथियों मैदान में उतरने वाली है। अभी हमारे पास रेस्ट हाउस में रुका था, वहां पर हमारे तहसीलदार साहब हमारे पास पहुंचे, थाना प्रभारी बाबाई हमारे पास पहुंचे, उनको हमने अपने दुख से अवगत करवाया कि ये दुख को लेकर के हम लोग यहां पर आए हैं। एक उमरिया की घटना जो हुई, बर्बरता जो पुलिस के द्वारा की गई, हमारे लोगों को मारा पीटा गया, पहले पुलिस ने गलती की थी, हम लोग तो शांति के साथ बैठे हुए थे, उसके बाद भी हमारे 270 लोगों को जेल के अंदर डाल दिया गया। आज भी हमारे लोगों को गांव से उठा के उनको मारा पीटा जा रहा है। उसी को लेकर के मध्य प्रदेश के कोने कोने में संपूर्ण जिलों में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मिलके जो है ज्ञापन दे रही है। हम सरकार से निवेदन आवेदन कर रहे हैं कि हमारे जो निर्दोष लोग हैं उनको छोड़ दिया जाए। दोनों एक हाथ से ताली नहीं बजती है, ताली दोनों हाथ से बजती है। यहाँ पर हुआ कि करीबन 15 से 20 सालों से एक आदिवासी परिवार जिसका गोत्र बदल दिया गया, जिसकी जाति बदल दी गई, केवल शिवराज सिंह चौहान के इशारे में जो गुंडागर्दी हो रही है उसको उजागर करने के लिए आज गोंडवाना और बहुजन यहाँ पर एकत्रित होकर आए हैं। साथियों हम छोटी संख्या में यहाँ पर नहीं है, ये बड़ी संख्या है हमारे लिए। एक एक व्यक्ति 100-100 लोगों पे भारी है, ये बड़ी ताकत के साथ यहाँ पर जुनून के साथ यहाँ पर आया है। मेरा उद्देश्य केवल है कि करीबन 10 से 20 सालों